द ब्लैक होल फिल्म की कहानी चार्ली नाम के एक ऐसे शख्स की है जो कि एक ऑफिस वर्कर था। एक दिन वो अपने ऑफिस में अकेले नाइट शिफ्ट पर होता है। वह हमें अपने हाथों को प्रिंटर के बटन पर जोर जोर से मारते हुए दिखता है। उसके इस हाव भाव से हमें पता चलता है कि चार्ली काफी फ्रस्ट्रेशन में है और शायद अपने इस जॉब से खुश नहीं है। फिर अपने पैर से वो प्रिंटर पर जोर से मारता है जिससे प्रिंटर काम करना शुरू कर देता है और उसमें से एक पेपर प्रिंट होकर बाहर आता है। चार्ली उस प्रिंटआउट को देखकर काफी हैरान होता है क्योंकि उसने ऐसा कुछ उस प्रिंटर में प्रिंट होने के लिए नहीं डाला था। दरअसल उस प्रिंटिंग मशीन से जो पेपर बाहर आया था उस पर एक ब्लैक सर्किट प्रिंटेड होता है। उसे लगता है कि प्रिंटिंग मशीन ढंग से वर्क नहीं कर रही है। उस प्रिंटेड पेपर को साइड में रखकर प्रिंटिंग मशीन को चेक करता है पर सभी कुछ सही पाकर काफी हैरान होता है। कॉफी पीकर जब वह कप को उसी प्रिंटेड पेपर पर रखता है तो उसे फील होता है कि वह कप पेपर से होकर प्रिंटर के अंदर चला गया है। ये देखकर वो काफी सरप्राइज होता है। फिर वो डरते हुए उस ब्लैक होल के अंदर अपना हाथ डालकर कप को बाहर निकालता है। ये सब चीजें देखकर चार्ली काफी शॉक्ड है, इसलिए वो कंफर्म करने के लिए उस पेपर को उठाकर डरते हुए अपने हाथ को दोबारा उसमें डालता है और पिछली बार की तरह ही उसका पूरा हाथ उस ब्लैक होल के अंदर चला जाता है। चार्ली के माइंड में एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि अपने इस इन्वेंशन से वो काफी कुछ कर सकता है, इसलिए वो वेंडिंग मशीन के पास जाकर उस पेपर को वेंडिंग मशीन के गेट पर रखता है और अपने हाथ को वेंडिंग मशीन के अंदर डालकर कुछ चॉकलेट बाहर निकालकर खाने लगता है। मतलब कि उस प्रिंटेड पेपर के ऊपर जो ब्लैक पार्ट प्रिंटेड था वो एक तरह से होल का काम कर रहा था। फिर चार्ली अपने चारों ओर देखने लगता है कि अब वो अपने इन्वेंशन से क्या क्या कर सकता है। तभी उसकी नजर लॉकर रूम के ऊपर जाता है। उस ब्लैक होल की हेल्प से वो लॉकर रूम का गेट खोलकर अंदर पड़े तिजोरी के पास जाता है और तिजोरी के गेट पर उस प्रिंटेड पेपर को चिपका देता है। फिर उसके अंदर अपना हाथ डालकर तिजोरी में रखे पैसे को निकालना शुरू कर देता है। बहुत सारा पैसा निकालने के बाद उसका हाथ तिजोरी में पूरी तरह से पहुंच नहीं पाता है, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे बचे हुए पैसे निकालने के लिए खुद तिजोरी के अंदर घुस जाता है और उसके अंदर घुसते ही वो पेपर तिजोरी से अलग होकर नीचे गिर जाता है और वह शख्स हमेशा के लिए उस तिजोरी के अंदर बंद हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो और एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।